नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जहां पर इंडिया और फॉरेन की काफ़ी सारी कंट्रीज अगर आप लोग देखेंगे तो वो लोग अपनी रेलवेज को लगातार इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं और एक तरह से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ में बढ़ रहे हैं। वहीं आज भी दुनिया के काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहां पर उनकी रेलवेज जो है वो पूरी तरह से डीजल लोकोमोटिव्स के ऊपर और डीजल के ऊपर यहां पर डिपेंडेंट है, और उन देशों में से एक देश जो है वो पाकिस्तान है। और आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, और अगर कभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का ऑपरेशन किया भी गया था तो आखिरकार उसको बंद क्यों कर दिया गया। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक इसको जरूर से देखिएगा। बिना किसी देरी के फटाफट से आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो आप सभी लोगों के दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि क्या कभी पाकिस्तान के अंदर हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया गया भी है या फिर नहीं किया गया है। तो इसका जवाब है हाँ, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो हैं, इनको ऑपरेशन किया जा चुका है। साल 2009 के अंदर लाहौर से लेकर खानेवाल के बीच में 289 किलोमीटर के सेक्शन के अंदर 16 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो थे ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का ऑपरेशन जो था वो किया जाता था पैसेंजर ट्रेन्स के अंदर भी और साथ ही साथ में फ्रेट ट्रेन्स के अंदर भी। तो अब सवाल यहां पर ये आता है कि भाई जब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव साल 2009 के अंदर ही यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, तो अब तो साल 2022 आ गया, तो अभी तक तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर काफी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस हो जाना चाहिए थी। लेकिन यहां पर तो आप बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस जो है वो एकदम माइनस में चली गई है, क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यहां पर ऑपरेशन किया जाता हो। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो निकल कर आती है वो आती है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की। अब देखिए दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव से अगर आप लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को कंपेयर करते हैं तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रहती है वो काफी ज्यादा कम रहती है, यानी कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को चलाने का जो खर्चा है वो काफी ज्यादा कम है। पाकिस्तान रेलवेज ने इसलिए यहां पर इन सेक्शंस को इलेक्ट्रीफाई किया था ताकि वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंस है उसको थोड़ा कम कर सकें। यहां पर जो डीजल जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है रेलवे के लिए, इसको थोड़ा कट डाउन किया जा सके, थोड़ा पैसा वगैरह सेव किया जा सके, इसी इंटेंशन के साथ में यहां पर ये सारी चीजें थी ये की गई थी। और देखा जाए तो पाकिस्तान जो था वो काफी ज्यादा सही भी था, क्योंकि आज की डेट में अगर इलेक्ट्रिफिकेशन किसी भी रेलवे के अंदर होता है तो एक तरीके से यहां पर डीजल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसके ऊपर भी कमी आती है, और साथ ही साथ में यहां पर जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रहता है इसके अंदर भी काफी ज्यादा कमी देखने के लिए मिलती है। और आज की डेट में तो काफी सारी कंट्रीज वैसे भी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ में भाग रही हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई अगर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इस चीज़ का कंसर्न नहीं था तो फिर क्या कंसर्न थे। देखिए दोस्तों, मेजरली यहाँ पर दो कंसर्न निकल कर आए थे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को यहाँ पर पाकिस्तान में चलाने के लिए। सबसे पहला जो कंसर्न था वो था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, और दूसरा यहाँ पर जो कंसर्न था वो था थेफ्ट का, यानी कि चोरी का। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला रीज़न जो था वो था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। देखिए दोस्तों, साल 2009 के अंदर पाकिस्तान के अंदर मोस्टली यहाँ पर जो सेक्शन था वो था यहां पर नॉन इलेक्ट्रिफाइड, और यहां पर डीजल लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल हो रहा था। अब अगर पाकिस्तान 289 किलोमीटर के आगे बढ़ती और दूसरे सेक्शंस को यहां पर इलेक्ट्रिफाई करती तो उन लोगों को और ज्यादा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को एक्वायर करना पड़ता, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आते हैं थोड़े महंगे, तो ऐसे में यहां पर इनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो काफी ज्यादा हाई थी। तो अब आप लोग सोचेंगे कि क्या पाकिस्तान इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भाई पाकिस्तान के पास में लैक ऑफ फंड यानी कि पैसे की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही थी उस टाइम पे, तो इसलिए उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से स्क्रैप कर दिया, क्योंकि अगर ये लोग आगे जाकर इसको बढ़ाते जाते तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को एक्वायर करने की जो कॉस्ट आती वो काफ़ी ज़्यादा रहती। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि भाई अभी अपन लोग जो हैं वो डीजल लोकोमोटिव को ही ऑपरेट करते रहते हैं ताकि आगे जाकर अपन लोगों को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो हैं ये एक्वायर ना करना पड़े। इसके साथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन की कॉस्ट भी जोड़ लीजिए, क्योंकि भाई अगर किसी भी रूट को हम लोग इलेक्ट्रिफाई करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर पोल्स का लगना, इलेक्ट्रिक वायर्स का लगना, इसके बाद में यहाँ पर बीच बीच में सब स्टेशंस बनाने पड़ते हैं, तो इन सभी को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा जो था बहुत ज़्यादा यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत थी पाकिस्तान को, और उन लोगों के पास में इतना ज़्यादा फंड नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया। अब देखिए दोस्तों, दूसरा यहाँ पर जो रीज़न निकल कर आता है वो आता है थेफ्ट का, यानी कि चोरी का। अब ये थोड़ा सा फनी रीज़न है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी
इतने सालों से इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, लेकिन ऐसा कभी मैंने कभी भी इंडिया के अंदर हुआ हो ऐसा नहीं सुना है। और अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। देखिए दोस्तों, होता है यहाँ पे ये था कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉपर वायर और इसके साथ में कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो पाकिस्तान में जैसे ही यहाँ पे टेंडर्स वगैरह दिए गए कि भाई अब हम लोगों को इसे सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, और जैसे ही कंपनीज़ यहाँ पर ये बड़े बड़े कॉपर वायर और कंडक्टर्स लेकर आई अपने साथ में, उसके बाद में होता है यहाँ पे ये था कि भाई जैसे ही ये लोग रात वात में जाते होंगे रख के कि भाई सुबह आएंगे और उसके बाद में यहाँ पे काम वगैरह करेंगे, तो होता है यहाँ पे ये था कि भाई जो कॉपर वायर होते थे ना वो चोरी हो जाते थे, और इसके साथ में जो कंडक्टर्स वगैरह थे वो भी चोरी हो जाते थे। और छोटी मोटी क्वान्टिटी में नहीं, इसका मतलब आप लोग ये मान लीजिए कि आप 100 रुपये रख के गए और अगर आप सुबह आ रहे हो तो 90 रुपये आपके चोरी हो जा रहे हैं। तो मतलब ऐसे 80-90% यहाँ पे जो कॉपर वायर हुआ करते थे वो चोरी हो के जाया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनीज थी जिनको यहाँ पे टेंडर्स दिए गए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान रेलवेज़ को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो कंडक्टर्स लेकर आए गए थे उसमें से 75% कंडक्टर्स जो थे वो पूरी तरह से चोरी कर लिए गए थे, और बचे हुए 25% कंडक्टर्स जो थे वो पाकिस्तान रेलवेज़ ने फिर प्रोजेक्ट जो था वो बंद कर दिया, और उसके बाद में बचे हुए 25% यहाँ पे जो कंडक्टर्स थे उनका यहाँ पे टेंडर निकाल के बेच दिया गया। तो भाई ये सारी चीज़ें थी, ये हुई पाकिस्तान के अंदर, और इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को बंद कर दिया, और इसके बाद में यहाँ पे डीजल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की वो आज तक बनी हुई है। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये जो ऑपरेशन है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के, ये एकदम से सस्पेंड नहीं किए गए थे। इनका इंट्रोडक्शन साल 2009 के अंदर हुआ, लेकिन इनको सस्पेंड साल 2010 के अंदर किया गया था, यानी कि तकरीबन एक साल तक यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स थे ये पाकिस्तान रेलवेज के अंदर में ऑपरेशन में थे। देखिए दोस्तों, शुरुआत में यहाँ पर जो सेक्शन वाइज यहाँ पर जो हमारा सस्पेंशन था वो हुआ, जैसे कि सबसे पहले खानेवाल से लेकर सानेवाल के बीच में जो सेक्शन था यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को सस्पेंड किया गया, और इसके बाद में यहाँ पर वापस से हमारे जो डीजल लोकोमोटिव्स थे इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके बाद में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब यहाँ पे खानेवाल से लेकर रायविंड के बीच का जो सेक्शन था इसको डबल कर दिया गया, लेकिन डबल करने के साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे डबल नहीं किया गया। अब ऐसे में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि भाई अगर आप लोग अप डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को लेकर जा रहे हो तो फिर आप लोग डाउन डायरेक्शन में उसको वापस नहीं लेके आ सकते ना, क्योंकि डाउन डायरेक्शन की जो ट्रेन है उसको वापस आपको डीजल लोकोमोटिव के साथ में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि डाउन डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिफाइड ही नहीं है। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के साथ में पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड करना पड़ा। टोटल 84 लोगों को यहाँ पे हायर किया गया था पाकिस्तान रेलवे के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए, इनका रखरखाव करने के लिए, जिसमें से 64 लोगों को यहाँ पे वापस से डीजल लोको शेड के अंदर भेज दिया गया, 10 लोगों को भेज दिया गया यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक लोको शेड के अंदर ही, ताकि ये जो बचे कुचे यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं इनका रखरखाव और मेंटेनेंस किया जा सके, और इसके बाद में यहाँ पे बचे कुचे जो लोग थे इनको पाकिस्तान रेलवे के हेडक्वार्टर में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो 84 लोग इन लोगों ने हायर किए थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड लोग थे, तो इनकी काफ़ी अच्छी मोटी मोटी सैलरी जो थी वो भी पाकिस्तान रेलवेज़ को देना पड़ती थी। इसके अलावा दोस्तों, आज की डेट में भी पाकिस्तान रेलवेज़ के पास में टोटल 16 लोकोमोटिव्स जो है ये मौजूद हैं। पता नहीं उन लोगों ने कभी स्क्रैप वगैरह इसको कर दिया हो तो, लेकिन इसमें से 10 लोकोमोटिव जो है ये एकदम क्रैश हालत में हैं, और बचे हुए जो 3 लोकोमोटिव्स हैं इनके अंदर कुछ अगर यहाँ पे पाकिस्तान रेलवेज़ इंप्रूवमेंट करती है और इनको ठीक करती है तो उसके बाद में इनको वापस से ट्रैक के ऊपर लाया जा सकता है, ऐसा मैंने कुछ रिपोर्ट्स के अंदर पढ़ा है। अब देखने वाली बात यह रहती है कि आगे जाके फ्यूचर में पाकिस्तान रेलवेज जो है वो कभी इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर वापस सीरियस होती है या फिर नहीं होती है, या फिर वो चोरी के डर से ही वापस से अभी अपने जो डीजल लोकोमोटिव से उनको चलाती रहती है। इन सभी चीज़ों के बारे में, इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचना है आप सभी लोगों को मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और क्या आप लोगों को पता था कि पाकिस्तान रेलवेज के अंदर इस तरह से जो डीजल लोकोमोटिव थे इनका राज अभी तक क्यों चल रहा है, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को अभी तक क्यों नहीं लेकर आया गया, इस कहानी के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता था तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा, और जान के कैसा लगा इसके बारे में भी। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली है चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।